प्रॉब्लम यह है ना कि आप लोग बहुत जल्दी किसी का फैन बन जाते हैं, तुरंत तुरंत लगते हैं फॉलो करने, और ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी था। और इसकी शुरुआत कैसे हुई थोड़ा बताते हैं। मेरे नाना जी को क्रिकेट का बहुत शौक था, और वो साथ में बैठा करके हम लोग ना रेडियो पर सुनते थे, विनीत गर्ग की कमेंट्री होती थी, तो जैसे क्रिकेट आगे बढ़ता था बीच में पूछ देते थे, एक दिवस ये मैच हम लोग जाता है उस समय देखते थे, सुनते थे, देखते कहा थे, सुनते थे, पूछ देते थे कि वही का विश्व कप कब बोल रहे हो, दूसर का कब बोल रहे हो, इंडिया 83 में जीत रहे हैं, तो इतने सोर्सेस तो थे नहीं कि मोबाइल निकाला सर्च करके बता दिया। तो क्या होता था कि जैसे समाचार पत्र आता था घर में, तो हम लोग क्या करते थे, कभी कभी उसमें से कोई इन्फॉर्मेशन ऐसे मिलता था क्रिकेट से रिलेटेड, क्योंकि आदमी उसको फॉलो करता था, अच्छा लगता था, तो हम लोग कभी कभी उसमें से लिखते थे, तो एक वो सूची बन जाती थी कि 1975 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया नहीं वेस्ट इंडीज जीता था, 75 का वेस्ट इंडीज जीता था, 79 का वेस्ट इंडीज ही जीता था, दोनों इंग्लैंड में हुआ था, 83 का इंडिया जीता था वो भी इंग्लैंड में हुआ था। तो ऐसे करके हम लोग क्या करते थे, वो छोटा मोटा एक लिस्ट तैयार करते थे, नाना जी पूछते थे तो धड़ाक से बता दिया, दिमाग बैठ जाता था, 87 हुआ ऑस्ट्रेलिया जीता, 92 पाकिस्तान, 96 श्रीलंका, 99 ऑस्ट्रेलिया, 2003 ऑस्ट्रेलिया, 2007 ऑस्ट्रेलिया, 2011 जाके वानखेड़े में महेंद्र सिंह धोनी का लास्ट इंडिया जीती वर्ल्ड कप, तो 83 में जो वर्ल्ड कप इंडिया जीता था कपिल देव की कप्तानी में, तो जब तक महेंद्र सिंह धोनी ने ट्रॉफी नहीं दिलाई एक दिवसीय क्रिकेट की, तब तक कपिल देव की चर्चा हम लोग हमेशा करते थे, भाई कपिल देव की कप्तानी में इंडिया जीती है। यूं कहिए कि आदमी कपिल देव का एक ना क्रिकेट को अच्छा से देखा, कभी देखा नहीं था खेलते हुए, लेकिन कपिल देव का एक फैन जरूर था। आप लोग भी आंख बंद करके फैन नहीं बनना है किसी का। अब कपिल देव को अभी का सिचुएशन आप देखिए, कपिल देव आते हैं और कप हारते हैं और मुंह में डाल करके आपको बताते हैं, आपको इंस्पायर करते हैं। वैसे ही वो 83 वर्ल्ड कप जो हुआ उसमें सुनील गावस्कर भी उस टीम के हिस्सा थे, सुनील गावस्कर को भी वही देखा जा रहा है, वो किसके साथ अभी, मतलब इसके पहले का जो जनरेशन था, अभी का जनरेशन, वीरेंद्र सहवाग जब तक रिटायरमेंट नहीं लिए थे तब तक बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग उनका, मुल्तान के सुल्तान, उनकी वो 13 शतकीय पारी पाकिस्तान में कौन नहीं जानता। तो वीरेंद्र सहवाग भी आते हैं सुनील गावस्कर के साथ और वही गुटका फार करके आपस में लोग बात करते हैं, गावस्कर जी कहते हैं कि हमारे जमाने में सोच करके शॉट खेला जाता था, ये कहते हैं कि हमारे जमाने में ठोक करके खेला जाता है, और उसके बाद में दोनों का वो एक ही स्वाद गुटका फार करके। सोचिए ये आप लोगों को इंस्पायर करेंगे, आप ऐसे लोगों के फैन हो जाते हैं, हम लोग ऐसे लोगों के फैन हो जाते हैं, और अगर हम लोगों ने इन्हें फॉलो किया तो ये हमें शराबी बना करके छोड़ेंगे। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप लोग टेंथ में हो, इंटरमीडिएट में हो, तो आपके करियर की जैसे शुरुआत यहां से होती है ना, वैसे ही एक शराबी की शुरुआत गुटखे से होती है, एक गुटखा शराबी तक पहुंचाता है। तो सोचिए कि क्या ये आपके साथ है, इनडायरेक्ट रूप से कौन खेल खेल रहा है, किस चीज के लिए, बस पैसों के लिए। अब आप इस दुनिया से निकलेंगे तो जो बॉलीवुड की दुनिया है उस टाइम, मतलब कुछ साल पहले जब हम लोग टीवी सीडीएस भाड़ा पर आता था, बैटरी आता था, तो जब भी आता था एक माह डेढ़ माह दो माह पे, तो अमिताभ बच्चन जी का कोई ना कोई फिल्म का जरूर कैसेट आता था, जैसे अजूबा, दीवार, भगवान। तो अमिताभ बच्चन जी सदी के महानायक वो आते हैं, और अभी का जो रणवीर सिंह है वो जोकर जो ना दीपिका पादुकोण वाला कपड़ा पहन के घूमता है उसके साथ आते हैं, और वो बता रहे हैं कि क्लासिकल पसंद है ये बेटा, यमला पगला दीवाना, मतलब हम तुम्हारे पिता है, रणवीर सिंह को कह रहे हैं कि तुम मेरे बेटे हो, मैं हम तुम्हारे पिता है, और आओ साथ मिलकर के गुटखा खाए, अलग है रंग लेकिन एक ही स्वाद, अनोखा स्वाद, पता नहीं क्या क्या। ये लोग
कैसे इंस्पिरेशन हो सकते हैं युवाओं के, आप लोग के इंस्पिरेशन कैसे हो सकते हैं, आप इनसे क्या सीखिएगा, यही सीखिएगा कि गुटखा खाना है राइट। ऐसे लोगों से इंस्पायर नहीं होना है, ऐसे लोगों को फॉलो नहीं करना है, ये लोग कैंसर का काम कर रहे हैं आपके लिए। और आपके परिवार में अगर आपको कुछ होता है ना, तो पूरा आपका परिवार जो आप पे डिपेंड होने वाला है आगे चल करके, उसका बैकबोन कमजोर हो जाएगा। मतलब आप अपने परिवार के बैकबोन हो, जैसे बॉडी का रीढ़ की जो हड्डी होती है ना, तो पूरे बॉडी को मेंटेन रखती है, वैसे आप होने वो अपने परिवार के, आपसे भरोसा है जी, ऐसे लोगों को फॉलो मत करो, ये तुम्हें खत्म करके छोड़ेंगे। थैंक यू।